ऐसा इनका मानना है। अरे इंसान है, आइए प्रताप जी कितना कितना दिमाग है तुम्हारे, नहीं कितना दिमाग तुम्हारे अंदर, टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। अभी टाइम है। निधि कहाँ पर हो? निधि डाली तुम्हें शुभकामना देने के लिए, मोदी जी आने वाले थे लेकिन कहीं फंस गए, तो अपनी शुभकामना भेज दी, मैं सुना दूं। रमेश जी कहाँ हैं? रमेश जी मोदी साहब ने शुभकामना भेजी निधि के लिए। मित्र आपको पता, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इतनी हवाई जहाज की यात्रा करते हैं कि अब उनकी आवाज में भी हवाई जहाज का इफेक्ट आने लगा है। मित्रों प्यारे भाई बहनों, जो लोग ज्यादा खुश हैं मैं बता दूं कि उनके सपने में आज ही मोदी जी आएंगे, तो ज्यादा खुश ना हो, थोड़ा लिमिट में रहे, वरना आपकी हंसी पे भी जीएसटी लगा सकते हो। मित्रों आज निधि नैयर को शुभकामना देने के लिए मैं खुद आने वाला था, क्योंकि उन्होंने पूरे किए 18 साल, उन्होंने पूरे किए 18 साल, अब मेरे बदले शुभकामना देगा सुनील पा, मगर अगले साल मैं खुद आऊंगा और निधि को एक पार्टी दूंगा, अगले साल मैं खुद आऊंगा एक पार्टी दूंगा खुद अपनी तरफ से, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। तो मित्रों मत रो, जो सुनील पाल के परफॉर्मेंस में खुद के खुल के नहीं हंसेगा, आज रात ही एक नई योजना लाऊंगा, उसके नए नोट भी रद्द कराऊंगा। आज बहुत सारे कलाकार भी आए हैं लेकिन मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए ये कहूंगा, इस साल की सबसे हिट फिल्म कौन सी है? डायरेक्टर सामने खुद बैठे हैं, उनके सामने मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब धरना अनलिमिटेड के हैंडसम डायरेक्टर बैठे हैं सामने, बाहुबली। सही है, जोरदार तालियां फिल्म बाहुबली के लिए। बाहुबली लगता जैसे इन्होंने नहीं देखी है, बाकी लोग बोलते हैं आपको पता नहीं। फेसबुक पे कितने लोग हैं ताली बजाएं? फेसबुक पे ये दो ही लोग फेसबुक पे, बाकी सब फेसबुक पे। एंजल प्रिया और टीचर पूजा इन्हीं में से कोई है। बाहुबली इतनी सुपर हिट हुई है, उसमें खासकर कटप्पा इतना हिट हुआ है कटप्पा। अब मैं तो किसी भी गंजे को देखता हूँ, किसी भी गंजे को मतलब आप लोग तुरंत घूम फिर के किसी अपने आजू बाजू वाले गंजे की तरफ मत देखिए, खासकर रमेश जी की तरफ बिल्कुल नहीं। मैं गंजे को देखता हूँ तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, कहता हूँ आपका लुक एकदम सर कटप्पा लुक है, आपका एकदम कटप्पा लुक है, उसको खुश करने के लिए। सर क्या बात है सर, आपका कटप्पा लुक है? कहता है अच्छा मेरा कटप्पा लुक है, तो तेरा सेम टू सेम बाहुबली लुक है। मैं कहता हूँ सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की बात नहीं, तुझे पता है ना बाहुबली को किसने मारा था? निकल यहाँ से। अच्छा आप लोगों में से कितने जानते कि पहले बाहुबली का रोल ऋतिक रोशन को मिला था? अगर जितने लोग जानते तारी ताली बजा दीजिए, बहुत ज़्यादा ताली बज रही है यार, लगता है आज ही GST भर गया है। बाहुबली का रोल पहले ऋतिक रोशन को मिला था, अब ऋतिक रोशन रो रहे कि यार 2000 करोड़ की फिल्म में मैं हीरो हो सकता तो मैंने फिल्म छोड़ दी, रो रहे। अरे शब्दों तो ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। रमेश जी इस जोक को स्पेशल सुनिएगा, ऋतिक रोशन रो रहे, अरे यार बाहुबली 2 मैं कर लेता तो आज सबसे बड़ी हिट फिल्म का बाहुबली हीरो मैं होता, 2000 करोड़ की फिल्म का हीरो मैं होता, और तो और मेरे खुद के घर पे अपना पर्सनल कटप्पा भी है, मेरा अप्पा मेरा पप्पा सेम टू सेम लगता है कटप्पा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नौजवानों की, जितने अभी नौजवान हैं जो फेसबुक पे जुड़े हैं, जो नौजवान भी हैं उनको फेसबुक पे अगर सुंदर लड़की फोटो डाले और लिखे निधि जैसी लड़की फोटो डाले, सुंदर लड़की आज मैं घर में अकेली हूँ, तो कितने कमेंट्स आएंगे। हम जैसे आदमी फोटो डाले और सेम वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूँ, तो इसी पार्टी से किसी का कमेंट आएगा फांसी लगा ली, हम तो बचाने भी नहीं आए। तो मैं लास्ट आइटम पेश कर रहा हूँ नौजवानों को, शबीर भाई
नौजवान जो लड़के होते हैं अपनी पहली बार गर्लफ्रेंड को जब मिलते हैं तो क्या गाना गाते हैं, दुबला पतला लड़का है तो कांडी कांडी। मैंने कहा बहन इसमें कांडी में क्या देख लिया, तो कहती है कांडी क्रश। उसका हाथ पकड़ के कांडी गा रहा है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, क्यों तेरा घर नहीं है, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, पकार भी नहीं है। अब इसे शादी होती है और शादी के दो साल के बाद पत्नी से तंग आकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, तो भगवान बोलता है तू तेरे मुंह पे थू। हमारे प्रताप हवादार जी यहाँ पर मौजूद है, बहुत अच्छे कवि हैं, तो मैंने कवि पर भी एक जोक